हेलो एवरीवन, वेलकम टू IFSI यूट्यूब चैनल। मेरे पास आज एक क्वेश्चन आया एक स्टूडेंट के पास से, हाउ टू डू बर्पीज। बर्पीज का करेक्ट फॉर्म आप कैसे कर सकते हो? आपको पता है कि ये पर्टिकुलर जो एक्सरसाइज है बर्पी, इट कम्स इन हाई इंटेंस इंटरवल ट्रेनिंग और इससे आपका कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस बहुत अच्छा बढ़ेगा। इट्स अ कंपाउंड मूवमेंट, अगर आप देखोगे तो फंक्शनल मूवमेंट है, आप उसको फंक्शनल ट्रेनिंग में यूज कर सकते हो, क्रॉसफिट में भी बहुत लोग इसको यूज कर सकते हैं। नाउ उसका करेक्ट फॉर्म क्या है? बहुत सारे फॉर्म्स है बर्पी के, लेकिन उसमें से जो मुझे सबसे एफिशिएंट फॉर्म नजर आता है वो ये है कि आप जब उसको बेसिकली करते समय, ये एक एक्चुअल फॉर्म है उसका कि आप ऐसे करोगे, ये जनरली किया जाता है, दिस इज अ बर्पी जनरली किया जाता है। लेकिन मैं इसको ऐसे प्रीफर करूंगा जहां पर आपकी स्पाइन जो है वो स्पाइन का न्यूट्रल कर्वेचर आपने मेंटेन रहना चाहिए। ओके, डू नॉट स्पॉइल द नेचुरल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन। आप जब बर्पी करते हो तो उस समय स्क्वाट थ्रस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, स्क्वाट थ्रस्ट मींस दिस, देयर हैज टू बी अ मोबिलिटी एट द हिप जॉइंट। ओके, इसके वजह से आपकी हिप की मोबिलिटी भी अच्छी होती है। एंड ऐसे लोग कि जिनको स्क्वाट्स करते समय जिनका रेंज ऑफ मोशन ठीक से नहीं आ रहा है, ओके, उनको भी यहां पर फायदा मिलेगा। मैं आपको वेटेड बर्पीज भी करके बताऊंगा कि जैसे आप प्रोग्रेस करोगे तो उसमें आप वेट कैसे यूज करोगे, बट सबसे पहले विदाउट वेट हम लोग करके देखते। सो आई थिंक द बेस्ट फॉर्म वुड बी दिस। यहां पर अगर आपने देखा, देयर इज अ हिप मोबिलिटी हैपनिंग, करेक्ट। यहां से मैं कूदूंगा ऊपर, ओके, देन अगेन आई गो डाउन, उसके बाद आई प्लेस द आर्म्स हियर, किक बैक, गो डाउन, ओके, अगेन कम बैक, ओके, एंड देन दिस इज व्हाट आई डू। तो ये करते समय आपका जो स्पाइन का कर्वेचर है वो स्पाइन का कर्वेचर मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार आप देखते हो लोग बर्पीस करते समय दे विल पुश द हिप बिहाइंड, हिप को पीछे पुश करेंगे, तो वो ऐसे करेंगे, दिस इज व्हाट दे विल डू, दे आर पुशिंग द हिप बिहाइंड। एक तरीके से वो एक गुड मॉर्निंग की तरह मूवमेंट हो जाती है, जहां पर आपकी हिप मोबिलिटी या तो स्क्वाट थ्रस्ट आपको ठीक से नहीं मिल रहा है। आप अगर ये फॉर्म फॉलो करते हो और आगे आप जब वेट लोगे उस समय अगर आपने सेम फॉर्म अगर आपने फॉलो किया प्रोग्रेशन करते समय, तो आपको लोअर बैक में पेन आना ये बहुत ही कॉमन है। तो इसीलिए स्क्वाट थ्रस्ट करना यहाँ पर इट इज एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट। सो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द मोस्ट एफिशिएंट फॉर्म ऑफ अ बर्पी। Where I am doing a squat thrust, same thing if I want to do it with a weight, अगर मेरे को उसको weight के साथ करना है, placement of the weight should be at the shoulder width, okay, they should not be very close, इसको बहुत ज्यादा close अगर आपने रखा तो आप जब एक elbow extension करते हो तो वो elbow extension आपका ठीक से नहीं होगा, okay, तो वेट शुड बी प्लेस शोल्डर विथ डिस्टेंस। यहां से आप पैरों को डंबल के बीच में रखोगे, सेम फॉर्म फॉलो करोगे, यहां पर भी स्क्वाट थ्रस्ट रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आई कैन डू इट दिस वे।
यहां पर जब मैं वेट को उठाता हूं, दिस शुड नॉट हैपन, आई शुड नॉट लिफ्ट द वेट फ्रॉम दिस डिस्टेंस, क्योंकि अगर ये डिस्टेंस से मैं वेट उठाने जाता हूं, अगेन मेरे लोअर बैक पर स्ट्रेन आ सकता है, लोअर बैक में इंजरी के चांसेस बढ़ सकते हैं। सो आई थिंक दिस इज द वे यू कैन प्रोग्रेस। और भी इसमें प्रोग्रेशंस है जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू सो मच।